बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान मसूद आलम रिज़वी अपने प्रोग्राम मारूफ़ पाकिस्तानी के साथ हाज़िर है। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे जो मेहमान हैं वो हश्त पहलू, मैं नहीं कहूँगा कि उनके शख्सियत के इतने पहलू हैं कि अगर एक एक को भी लिया जाए तो हमारा प्रोग्राम छोटा पड़ जाए, लेकिन हम उनके मशहूर हैं कि उन्होंने हमारी दावत कबूल की और आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी शख्सियत के जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो मैं आपसे शेयर कर लूँ और फिर आपको स्क्रीन पर लेके आऊँगा। वो अपने स्कूल के ज़माने से बड़े एक्टिव स्टूडेंट रहे, डिबेटर, राइटर, उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ऑथर हैं किताबों के, फिल्म मेकर, मार्केटिंग के अंदर अपना नाम बनाया, ये सब चीज़ मिला दे तो ये मीडिया बन जाता था, मीडिया के एक बहुत नोन पर्सन, पॉलिसी एनालिस्ट, वॉलंट्री सोशल वर्क में अपना नाम किया, पैदा किया, कम्युनिकेशंस, एजुकेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में उनका अमल दखल और उनकी दिलचस्पी, ये सारे पहलू हैं। शायद एक दो रह गए हों, वो दौरान गुफ्तगू सामने आ जाएगा। तो आज के हमारे मौजूद मेहमान जनाब जावेद जब्बार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रजी साहब आपका, आपने दावत दी और तारुफ़ करवाया। मैं इसका हक नहीं रखता, बट बहुत शुक्रिया आपकी दावत का, मुझे बहुत खुशी है आपके साथ। वो अगर मैं ये ना करता तो थोड़ी नाइंसाफ़ी करता, इसलिए कि ये आपने इन शोबों में आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में हम आपसे पूछेंगे और ज़्यादातर उन्हीं पे मेरे सवाल बेस्ड होंगे। लेकिन हम शुरू उन इसलिए करते हैं प्रोग्राम चाइल्डहुड से कि बहुत सारी बातें बचपन की या स्कूल की वो आम हमारे जो नाज़रीन हैं उनको नहीं पता होता, दूसरे पहलू, बिकॉज इंसान शोहरत हासिल कर लेता है, मारूफ हो जाता है तो पता होते हैं। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि सबसे पहले आप बताएं कि आपकी पैदाइश, बचपन कहाँ गुजरा, कौन सा स्कूल और उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और फिर आगे आपके जो जी और भी जो शोबाजात हैं जिनमें आपने काम किया उस पर फिर आप जी। शुक्रिया रजी साहब। मेरी पैदाइश मद्रास की है, जिसका नाम बदल कर, बिगाड़ कर चेन्नई कर दिया गया है, जनूबी एशिया का शहर है। और मेरे वालिद साहब का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से था, मेरी वालदा साहिबा का भी ताल्लुक एक तरफ से मद्रास से, कोई एथनिक बेसिस पे नहीं था। हम भी वहाँ, हमारे बुजुर्गान सेटल हुए थे मरकज़ी एशिया से आकर कई सदियों पहले, तो हमारा ताल्लुक बनता है जनूबी एशिया से, जिसको आज कहते हैं इंडिया या हिंदुस्तान। लेकिन आफ्टर द पुलिस एक्शन, बहुत ही गलत ये टर्म है, पाकिस्तान बनने के कुछ 13 महीने बाद, जब मेरे वालिद साहब निज़ाम्स गवर्नमेंट में हैदराबाद दक्कन के एक अफसर थे, सीनियर अफसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ताल्लुकदार, तो जब इंडिया की फ़ौज ने हमला किया, हम हैदराबाद पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और कामयाब हुए, तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और हमें उन्हें डिसमिस कर दिया गया। तो उसके बाद मुंतखिल हम हो गए, हिजरत कर कर पाकिस्तान आए, और कुछ आगे पीछे आना जाना था, लेकिन 1958 से मैं मुस्तकिल पाकिस्तान में हूँ और पाकिस्तानी हूँ। तो और कराची में ही हुए? जी बिल्कुल, कराची ही में, और बहुत मुझे फ़ख्र है कि मैं कराची का भी शहरी हूँ और पाकिस्तान का भी शहरी। उसके बाद आप पब्लिक स्कूल से आप सेंट पैट्स स्कूल में चले गए? जी जी बिल्कुल। और एक बड़े मासूम तालिब इल्म जिनका नाम मसूद आलम रिज़वी है, वो भी 1960 में उसी स्कूल में मौजूद थे, और मुझे पूरा मौका नहीं मिला उनको बुली करने का और हैरेस करने का, लेकिन आपको भी तो शर्फ हासिल है कि उसी स्कूल से आपने भी तालीम हासिल की। हाँ,
और वो जो मासूम तालिब इल्म था, शायद पता नहीं बाद में इतना मासूम रहा या नहीं रहा। वो मेरे बारे में भी यही कहा जाता है, मासूम नहीं रहे। फिर सेंट पैट्रिक्स कॉलेज 2 साल के लिए गए, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जहाँ से हमने इंटरनेशनल रिलेशंस, बैनुल अक्वामी उमूर के बारे में बैचलर्स डिग्री हासिल की। वहाँ से हम ये भी देखते हैं कि आप, जैसे मैंने जिक्र किया था कि आपका सोशल वर्क में बहुत बड़ा इंटरेस्ट भी था, आप कुछ अरसा एज ए सेनेटर ICUCN के बोर्ड पे भी रहे। जी हाँ, अगर बता सकें ICUCN क्या करता है। देखिए, सेनेट जो है वो तो एक बज़ाहिर एक सियासी इदारा है, और उसका एक और ही कहानी है, लेकिन IUCN दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे वसी, सबसे ज़्यादा बड़ी माहौलियात के बारे में तहफ्फुज करने के सिलसिले में ये तंजीम बनाई गई, और अनोखी तंजीम है। वो वाहिद तंजीम है दुनिया में जिसमें रियासतें और NGOs और साइंसदान, ये तीनों किस्म के लोग क्या हस्तियाँ रुकनियत उनको उनकी मौजूद है IUCN में। जी जी। कोई और ऐसी बैनुल अक्वामी तंजीम नहीं मिलेगी। तो क्योंकि माहौलियात में मुझे बहुत पुराना शौक था, दिलचस्पी थी, तो हमारी तंजीम बाह बेली मेंबर है उसकी, और उस हैसियत में मैं IUCN का रीजनल काउंसलर फॉर वेस्ट एशिया मुंतखब हुआ, और उसके बाद 4 नायब सदर होते हैं दुनियावी सतह पर, ये कुछ 130 ममालिक से ज़्यादा उसमें हिस्सा लेते हैं, और बाकायदा इलेक्शन होता है। तो वो शर्फ हासिल हुआ। सन 2004 से सन 2012 तक मैं ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट रहा IUCN के, जिसमें हम मुकम्मल तौर पर माहौलियात के दीगर, ये जो आजकल क्लाइमेट चेंज का, जी हाँ, लेकिन हम क्लाइमेट चेंज को ना सिर्फ हमने एंटिसिपेट किया, हमें अंदेशा था, क्योंकि हमारे साइंसदान और तहकीक करने वाले लोग कई दिहाइयों से उजागर करने की कोशिश करते रहे और आज भी करते हैं। और मैं तजवीज़ करूँगा, जो भी हमारे नाज़रीन हैं, वेबसाइट है उसकी IUCN.org, अगर आप जाएंगे तो एक ऐसा ज़खीरा आपको मिलेगा इत्तेलात का, हकायक का, जो साइंस पर मबनी हो, तहकीक पर मबनी हो, जो दुनिया के समंदर, दुनिया के फॉरेस्ट, जंगलात, दीगर स्पीशीज़ और इंसान के ऊपर जो असर हो रहा है, और क्योंकि उसमें लफ्ज़ है कॉन्ज़र्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कॉन्ज़र्वेशन ऑफ नेचर, जिसका मतलब कुदरत ने जो हमें दी है इतनी खूबसूरत दुनिया, उसको किस तरह महफूज रखें, कायम रखें, हाँ कायम रखें, उसको इस्तेमाल करें, लेकिन उसको तबाह ना करें, क्योंकि इंसान में ये एक अजीब कैफियत पाई जाती है, जहाँ तरक्की करने में इतना आगे साइंस के ज़रिए, इंडस्ट्री के ज़रिए, साथ साथ आलूदगी फैलाना, और इतनी खूबसूरत जो कुदरत की दी गए हमारे ज़राए हैं उनको पलीत करना, कंटेमिनेट करना, पल्यूट करना, तो उसको रोकने के लिए ये है उसका मकसद। अच्छा जावेद साहब, ये एक आपसे पूछूंगा ज़रूर कि IUCN के ऊपर है, तो 2 सवाल करके फिर आगे हम बढ़ते हैं कि आप इस वक्त भी किसी सूरत में उसके साथ मुंसलिक हैं, और नंबर 2 ये है कि इस वक्त आप, इस वक्त जो करंट जो एक प्रॉब्लम है, जैसे लाहौर का हम रोजान सुनते हैं और न्यू दिल्ली का, कि जी जो स्मॉग और वो, उसके बारे में IUCN क्या कर सक रही है? तो पहले ये कि आप अभी भी मुंसलिक हैं इस एक्टिविटी, बिल्कुल, क्योंकि 2 ऐसी तंजीमें हैं जिनका मैं रजाकार हैसियत में खिदमत करता हूँ। बाह बेली जो 36 साल कबल हमने थर पारकर में कायम की, मैं उसका बानी सदर हूँ, और अब वो सिंध भर में काम करती है। बाह बेली मकामी सतह पर रहने वाले अवाम के साथ ज़रात के शोबे में, पानी के शोबे में, तालीम, माहौलियात के शोबे में, तो उस हैसियत में मेरा ताल्लुक IUCN से बरकरार है। और दूसरी तंजीम है उसका भी मैं चेयरपर्सन हूँ, SPO, स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब शिरकती तरक्की को उजागर करना, SPO।
ये चारों सूबों में काम करती है, माशाल्लाह बड़ी बहुत बड़ी तंजीम है। तो ये दोनों तंजीमें IUCN के रुकन अच्छा। हैं और उस हैसियत में मेरा ताल्लुक जारी है। मैं दो टर्म से सर्व कर सका 8 साल, क्योंकि वहाँ पाबंदी है कि आप 8 साल से ज़्यादा उस ओहदे पर नहीं रह सकते, लेकिन रुकनियत बरकरार है और उसकी सारी कार्रवाई में और हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं IUCN के तावुन से। हम अभी थरपारकर में ये जो होती है ना वल्चर, वल्चर जो परिंदा होता है अनोखा, वो बहुत तेज़ी से गैब हो रहे लगा, एक हादसा हुआ, तो उसको बचाने के लिए हम एक कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है थरपारकर में। तो वो एक मिसाल है किस तरह मेरा ताल्लुक ज़ाती तौर पर IUCN से बरकरार है। मैं आपको अब ले चलता हूँ आपके शुरू जहाँ करियर आपका हुआ, जिसे आप मीडिया कहें या PTV कहें या मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग जी हाँ बेसिकली, तो उसमें भी आपके बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, तो उसके शुरुआत बताएं और फिर PTV से भी आप मुंसलिक हुए। जी जी, तो PTV से फ्रीलांसर के तौर पर, मैं मुलाजिम नहीं था लेकिन एज ए इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर काम किया करता था। और लेकिन आपको उस वक्त के जो बड़े थे PTV में, और मैं सुना कि वो उनसे भी आपने बहुत कुछ सीखने को आपको मिला। जी जी, लाइक असलम अजहर साहब से उनका, तो उसके PTV की शुरुआत के दिन वो कुछ आप बताएं क्या हाल है और किस तरीके से आप एज ए फ्रीलांसर आपने क्या कंट्रीब्यूट किया PTV को। जी शुक्रिया। ये मैं समझता हूँ कि PTV और रेडियो पाकिस्तान को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। PTV से कबल रेडियो पाकिस्तान ने एक बहुत ही बेहतरीन रोल अदा किया है पाकिस्तान की तारीख में। एक तो उसने नाम पाकिस्तान और पाकिस्तान की बुनियादी शिनाख्त को हर जबान में लेकर घर घर में कोने कोने तक, ऐसी जगहों पर जहाँ पहले लफ्ज़ पाकिस्तान शायद सुनाई भी नहीं दिया हो, रेडियो पाकिस्तान ने उसको मकबूल बनाया। जैसे कि TV तो था नहीं, TV नहीं था, और वो एक बन गया एक नर्सरी जैसे कहते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ अफराद, ख्वातीन, मर्द, नौजवान, बच्चे आकर अपनी आवाज़ के ज़रिए इब्लाग किया करते थे। और वही बनी एक नर्सरी जिससे पाकिस्तान टेलीविज़न ने कई बड़ी तादाद में अफराद को रिक्रूट किया, क्योंकि टेलीविज़न का कोई यहाँ पर इदारा था नहीं, हम सब सीख रहे थे। यानी तरबियती इदारा कोई नहीं था। रेडियो का भी नहीं था, रेडियो का नहीं था, बना बाद में जाके एकेडमी, लेकिन इट वाज अ सेल्फ टीचिंग काइंड ऑफ प्रोसेस। और पाकिस्तान टेलीविज़न के जो पायनियर्स थे, जिसमें असलम अजहर, आगा नासिर, फजल कमाल, दीगर हमारे ज़ुबैर अली, दे वर रिमार्केबल पीपल, ज़मान अली ख़ान, इन सब ने मिलकर इज्तिमाई तौर पर इसकी बुनियाद रखी। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि वो भी सीख रहे थे, सिखा भी रहे थे, लेकिन वो खुद भी सीख रहे थे। और 1969 में ये पूरे कैफियत जो थी तजुर्बे की, वो सामने आई जब हमने प्रोग्राम भी कर डाला, जिसका नाम हमने तजुर्बा रखा। उसके बारे में जरा कुछ बताएं, कैसा तजुर्बा रहा वो? तजुर्बा ये आज़ादी, देखिए क्या बात है कि एक रियासती इदारा पाकिस्तान टेलीविज़न, उसके कराची के जनरल मैनेजर असलम अजहर साहब का इतना रोशन ख्याली का उनका मिजाज था, उन्होंने कहा आप खुद मुंतखब करें कौन से मौजू पर आप करेंगे और आप क्या करना चाहते हैं। तो गाजी सलाहुद्दीन साहब, जो बड़े नामवर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने और मैंने सोचा, ये वही गाजी सलाहुद्दीन है जो कसौटी प्रोग्राम, जी नहीं कसौटी में बाद में आए वो, जी हाँ शुरू में इफ्तिखार आरिफ और उबैदुल्ला बेग और कुरैशपुर, और उसके बाद फिर गाजी सलाहुद्दीन ने, बहुत इल्म रखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। तो हमने सोचा कि जो उस वक्त हमें महसूस हो रहा था कि जबान में जो तब्दीली आ रही है, उर्दू और अंग्रेज़ी और इनका मिलाप और इनका कुछ हद तक हारमनी, हम आहंगी और कुछ हद तक कॉन्फ्लिक्ट, उर्दू उर्दिश बन रही है और इंग्लिश मिंग्लिश बन रही है, जिसमें गैर अंग्रेजी के भी अल्फाज, दोनों हमें लगा लश्करी जबानें हैं,
एक दूसरी जबानों से लेते हैं, जी हाँ। तो इसका इजहार क्यों ना करें कि गाजी साहब आप उर्दू में बोलेंगे और मैं पाकिस्तानी होने के नाते लेकिन उसके बावजूद मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। तो पहला प्रोग्राम था जो बाइलिंगुअल रहा और हमने सकाफत के मौजू को लिया, ड्रामा, थिएटर, पोएट्री, लिटरेचर, अदब। और थोड़ा मैं इसमें थोड़ी और वजह चाहूंगा, जहाँ कह रहे बाइलिंगुअल था, तो आप उस प्रोग्राम में मुस्तकिल अंग्रेजी में बोल रहे हैं और वो उर्दू में बोल रहे हैं और आपस में बोल रहे हैं और एक दूसरे को समझ भी रहे हैं और मुकालमा भी चल रहा है। अच्छा, तो बड़ा अनयूजुअल था और कई लोगों को वो उसने बड़ा ऑफेंड किया क्योंकि उन्होंने कहा ये क्या मजाक है, उर्दू के साथ क्या ज्यादती है, अंग्रेजी बोली जा रही है। और अंग्रेज दानों ने कहा ये अंग्रेजी के साथ क्या ज्यादती है, आप अंग्रेजी बोल रहे हो, दूसरा आदमी उर्दू में बोल रहा है। तो इट बिकेम वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बट ऑल्सो इन अ वे वेरी पॉपुलर। और एक ही टेलीविजन चैनल था और ब्लैक एंड वाइट और कोई रिकॉर्डिंग नहीं हमने रखी उसकी, उनको टेप्स बहुत ही महदूद तादाद में थे तो वो टेप यूज करते थे, नेक्स्ट वीक उसको इरेज कर देते थे। बट बहुत लुत्फ आया उसमें, हमने ड्रामे के स्किट्स पेश किए, छोटे छोटे एक्सर्प्ट्स निकाले प्लेस से, तजुर्बा। और उसके बाद एक और देखिए मिसाल जी कि असलम अजहर ने कहा अब हमें डॉक्यूमेंट्रीज कुछ बनानी चाहिए, दस्तावेजी फिल्में। तो उन्होंने तीन शख्सियात को, अफराद को दावत दी, गाजी सलाहुद्दीन, इरशाद अब्दुल कादिर जो बाद में जाके बड़े अच्छे मुसन्निफ बने, मरहूम गुजर गए कुछ अरसा पहले, और इस नाचीज को। उन्होंने कहा आप नौजवान के थीम पर चार चार फिल्में बनाएं और आप खुद मुंतखब करें किस पहलू को आप पेश करना चाहते हैं। वाह, आज़ादी का अंदाज़ा लगाएं आज के दौर में। और ये मार्शल लॉ का दौर था। हाँ, मार्शल लॉ का दौर था, जनरली आया खान का दौर था। और उन्होंने कहा आप मुंतखब करें और सेंसरशिप वर्चुअली वाज नेवर अप्लाइड। हमने कुछ ऐसी बातें भी नहीं की जिसमें सेंसरशिप की ज़रूरत होती, हमें आदाब का कुछ एहसास था कि भाई ये हम जिस माशरे में रह रहे हैं उसका भी एहतराम हमें करना चाहिए। तो एनीवे, तो वो हमने चार फिल्में बनाई, मैंने एक नौजवान कैदी पर, एक नौजवान सहाफ़ी पर, एक नौजवान गाफिल पर जिसे पता ही नहीं था कि मैं क्या करना चाहता हूँ दुनिया में, ज़िंदगी में। तो दे वर ऑल प्रेजेंटेड इन 1969 और नन ऑफ देम वर प्रिजर्व, उनका कोई अब नामो निशान नहीं बचा। आपने एक और फिल्म बनाई थी जी, जो इट वॉज अ फीचर फिल्म जो कि बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन। जी 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 जी, वो पहली पाकिस्तानी फिल्म थी जो अंग्रेजी जबान में। जी हाँ जी हाँ, उसके बारे में कुछ नाजरीन के लिए आप बताएं ताकि। जी ज़रूर, मैं अर्ज़ करूँ कि यक वक्त हमने उसको उर्दू में भी फिल्म आया, हर सीन को पहले हम अंग्रेजी में फिल्म करते थे फिर उसको उर्दू में करते थे उसी वक्त। वही, जी हाँ, वही एक्टर्स, वही स्क्रिप्ट, लेकिन तर्जुमा उसका हो चुका होता और एडेप्टेशन। और असद मोहम्मद खान जो बहुत नामवर हमारे अदब का हिस्सा हैं, शायर भी हैं और अदीब भी हैं, उन्होंने उसके मकालमे लिखे। तो बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन मैंने इसलिए अंग्रेज़ी में बनाई, मुझे महसूस हुआ कि बावजूद इसके कि ख्वानदगी पाकिस्तान में महदूद है, लिटरेसी जनरली, और अंग्रेज़ी बोलना या अंग्रेज़ी लिखना एक महदूद हिस्सा है आबादी का, लेकिन कान के एतबार से अंग्रेज़ी सुनाई देती है सारे मुल्क में। मैं एक शख्सियत का पहलू ये है कि इस सारे काम में मसरूफ़ होने के बावजूद आप इस तरीके से सियासत में तो नहीं आए, लेकिन आप सेनेटर भी रहे जी, और शायद तीन दफ़ा सेनेटर रहे आप। नहीं, मैं एक दफ़ा सेनेट का टर्म मैंने पूरा किया 6 साल का, लेकिन 3 मुख्तलिफ विफाकी काबीना में वजीर रहे। अच्छा, हाँ, अच्छा, और पहली दफा बेनजीर भुट्टो। 6 साल कौन से थे जो आप? 1985 to 1991, जिसमें माशाल्लाह 6 मुख्तलिफ हकूमतों का तबादला हुआ, तब्दीली आई। पहले तो मोहम्मद खान जुनेजो की हकूमत, फिर उनको बरतरफ कर ज़ियाउल हक साहब ने अपनी हकूमत बनाई, फिर जब जनरल ज़ियाउल हक गुजर गए तो सदर गुलाम एहसास खान ने अपनी हकूमत बनाई,
वो जब हटे तो नहीं, जब इलेक्शन हुआ तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने हुकूमत बनाई जिसमें मुझे उन्होंने दावत दी। ये 1988 की बात है, 1988 में। और उनको फिर बेनजीर भुट्टो और हमारी काबीना को बरतरफ कर कर एक निगरान हुकूमत आई गुलाम मुस्तफा जतोई के सरबराही था जी। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए। तो उस 6 years में मैंने 6 हुकूमतों का मुख्तलिफ पहलू मुख्तलिफ हिस्से देखे। और मेरी वो 3 किताबें अभी आ रही हैं 3 महीने के बाद, जो उस वक्त में दिए गए तकारीर पर मुश्तमिल हैं। और अहम जो संगे मील थे सियासी तारीख के पाकिस्तान के, उसमें महफूज किए गए। आपने ये वही दौर है जो आपकी एक और भी 3 आपने पॉलिटिकल मेमोयर्स के नाम से, बेनजीर भुट्टो साहिबा और फारूक लगारी साहब, जनरल परवेज मुशर्रफ और मिराज खालिद साहब, ये वो भी वो छप गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, गुज़श्ता 2-2.5 साल में ये 3 किताबों को शाया करने का मौका मिला। पैरामाउंट बुक्स ने उनको पब्लिश किया है। जी जी। बट प्राइम मिनिस्टर के नाम से पहली किताब, दूसरी किताब है प्रेसिडेंट अ प्राइम मिनिस्टर एंड अ पार्टी, और तीसरी किताब है जनरल इन पर्टिकुलर। तो ये अमेजोन बुक्स पे उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तादाद में वो बिकी हैं। लोगों ने गलती की है ख़रीदने की और पढ़ने की। तो ये उन मेरी ज़िंदगी के उन हिस्सों के बारे में रिकॉर्ड है कि इन कायदीन के साथ क्या रिश्ता था और कौन से वाक़ियात थे तारीखी जिनका मुझे बयान करने का मौका। इनमें से कोई 2-3 वाक़ियात आप शेयर करना चाहेंगे? पहला वाक़िया याद आता है कि हाउ बेनजीर भुट्टो एंटर्ड द सेनेट पहली बार स्पीच करने के लिए। अच्छा। तो मैं उनके साथ चल रहा था, जाते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी डेंटिस्ट के क्लिनिक में जा रही हूँ जहाँ दांत निकाले जाएंगे, क्योंकि जिस जो कैफियत थी सेनेट की, वो कॉम्पोजिशन वो थी जो 1985 में इलेक्ट हुई थी, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन जिसको पीपल्स पार्टी ने बॉयकॉट किया था। कई वाकयात वाकई यादगार थे, लेकिन बिलखसूस प्रेसिडेंट क्लिंटन के साथ जो मुलाकात थी, जिसमें बंद कमरे में सिर्फ 5 लोग अमेरिका की जानिब से और 5 लोग हमारी जानिब से, तो दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल थिंग, जिसका मतन उस किताब में मैंने रिप्रोड्यूस किया है। यार साहब, ये आपसे एक थोड़ा सा मौजूद हट के भी जी, अब पाकिस्तानियत के ऊपर जी भी आपका एक 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 अलग रोल है। आपने उसके ऊपर कुछ लिखा भी है और मैंने ये पढ़ा कि आपकी ये पाकिस्तानियत के ऊपर कोई कुछ हमारे जो इदारे हैं उनके करिकुलम में भी वो है, उसके बारे में आप बताएं। और ये क्या पाकिस्तानियत के बारे में आपने क्या बात की है? जी, पाकिस्तान का वजूद क्योंकि इतना अनोखा है, ये मौजू पर मैंने कई साल से तहकीक करता रहा हूँ। और मुझे महसूस हुआ कि एक ऐसा मुल्क जो तारीख में जिसका नाम 1933 से पहले आपको मिलेगा नहीं, सो ये तारीखी कौम नहीं है पाकिस्तानी कौम। 1946 तक भी कायदे आज़म तैयार थे कि एक बड़े कॉन्फेडरेशन में रहें जिसमें मुसलमान मेजॉरिटी के सूबे होंगे, हिंदू मेजॉरिटी होंगी, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जहां शहजादे और नवाब राइज हैं। तो हम चाहते थे कि हम एक कॉन्फेडरेशन में रहें, लेकिन उनको क्योंकि मजबूर किया गया, हमारे हकायक को नहीं तस्लीम किया कांग्रेस पार्टी ने, तो फिर जिन्ना साहब ने कहा कि बस पाकिस्तान ही पाकिस्तान हमारा बनेगा मुतालबा। तो ये एक अनोखापन जो था वजूद का, उसको देखते हुए और आज पाकिस्तान का हाल देखते हुए, बावजूद 1971 के और बावजूद महंगाई और बदउनवानी रिश्वतखोरी और बद इंतज़ामी के, हम सब में एक पाकिस्तानी होने का एक एहसास पैदा हो चुका है। आप वो पाकिस्तानियत मैं उसे कहता हूँ जी जी। और एक पाकिस्तानी को आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे एक इंडियन के साथ। इंडिया भी हमारे पड़ोस मुल्क है, ओवरऑल शक्लें भी मिलती हैं, रंग भी मिलता है, लेकिन
पाकिस्तानी पाकिस्तानी है। और ये क्यों है? आंखों में उसकी कोई बात है, शख्सियत में है, अंदाज़े गुफ्तगू में है, क्या है ये? तो मैंने एक एक्सरे लिया ज़हनी तौर पे कि ये पाकिस्तानियत में क्या अनासर मौजूद हैं। तो मेरी नाचीज़ राय में 30 मुस्बित पहलू हैं पाकिस्तानी कैरेक्टर में, किरदार में, और 11 मनफी भी हैं, क्योंकि हम फरिश्ते तो हैं नहीं, माशाल्लाह हम भी बड़े उस्ताद हैं, गलत काम करते हैं। भी आपने लिस्ट भी कर दी है ये 30 और ये 11, क्या मैंने उसमें आइडेंटिफाई कर दिया, आइडेंटिफाई किया है कि ये हमारे नकायस हैं, और जहां हम बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं, हर एक का हमदर्द पाया जाता है, खुश अखलाक हैं, कोई गैर आ जाए तो उसको हम मेहमान नवाजी, और फिलेंथ्रोपी में बहुत आगे हैं, जबरदस्त जबरदस्त, और फिलेंथ्रोपी में बहुत इतना देते हैं पैसा, माशाल्लाह कोई और मुल्क शायद ही दे। और एक सर्वे ने साबित किया था रिजवी साहब कि पाकिस्तान का गरीब शख्स, पाकिस्तान का गरीब शख्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली खैरात देता है बनिस्बत रईस के। रईस जरूर ज्यादा पैसे देता है। लेकिन आगा खान फाउंडेशन के सर्वे ने साबित किया कि गरीब आदमी भी 2 रुपए दे देगा, 1 रुपया, जो भी उसके मुमकिनात हो, ज्यादा फ्रीक्वेंटली देगा। क्या जबरदस्त कौम है। जावेद साहब, आप पाकिस्तानियत की बात हो रही थी अभी, उससे लिंक्ड बहुत बड़ा लिंक है उसका, कि आपका आपने 71 में जब ये हमारा मुल्क दो लख्त हो गया, उस के वाकयात के बारे में आपने भी एक फिल्म बनाई थी जी। और वो दिस वाज द अनटोल्ड स्टोरी आपने उसको कहा था, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो उसमें आपने क्या चीज उजागर की या उसकी कॉजेस दिए थे, क्या था वो, ब्रीफली अगर आप बता दें। गुज़िश्ता 50 साल में उस सानहा के बारे में 2 बयानिए बन गए हैं सारी दुनिया में फैले हुए, और वो बयानिए हिंदुस्तान ने, बांग्लादेश ने, और उनको हिमायत करते हुए मगरबी मीडिया और एकेडमिया ने किया है। उन बयानियों के मुताबिक पाकिस्तान ने बड़ा जुल्म और तशद्दुद कर बंगालियों को मजबूर किया कि वो आज़ादी हासिल करें, जबकि वजूद तशद्दुद पर मबनी नहीं था, कुछ और वजूहात थी, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया का जो रोल शुरू से रहा मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ एक तासुर फैलाने का, उस पर कोई रोशनी नहीं डाली गई। तो मैं चाहता था कि हकीकत को भी पेश किया जाए, तो हमने आज़ाद स्कॉलर्स को रिक्वेस्ट किया, अमेरिकन स्कॉलर्स, पाकिस्तानी स्कॉलर्स, बांग्लादेश के लोगों को, और उन्होंने फिर अपना तबसरा दिया। हमने दिखाया कि कितनी गलत तासुरात मौजूद हैं, कि 90,000 फौजियों ने हथियार डाल दिए, जबकि बिल्कुल नहीं, 45,000 बेचारे थे एनसर्कल्ड बाय इंडिया, और बहुत मुश्किल तरीन हालात में उन्होंने जंग लड़ी है, 55,000 तो हमारे सिविलियंस थे। एनीवे, तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर की बात जी जी, प्रिजनर ऑफ वॉर, और वो डॉक्यूमेंट्री माशाल्लाह 6 लाख लोगों से ज्यादा देखी गई है, इंटरनेट पर है, 1971untoldstory.com, कोई भी देख सकता है उसको। तो काफ़ी माशाल्लाह मकबूल हुई है, ये एक फ़र्ज था पूरा करने का, वो कर दिया। अब आगे जाएंगे, एक और फिल्म बनाएंगे किसी और मौके पर, 1971 ही के बारे में कई और चीज़ों को बताना है। अब हम जावेद साहब प्रोग्राम के आखिर पे आ गए हैं जी। मैंने कोशिश तो की है कि जो मुख्तलिफ पहलू हैं जी आपकी शख्सियत के या आपके कंट्रीब्यूशन के या आपके अचीवमेंट्स के, उसको अहाता कर लें, लेकिन पूरा न कर सका होगा इसलिए टाइम की कैद है, और बहुत बातें ऐसी हैं जो कि आप कभी भी करना चाहते होंगे। लेकिन जाने से पहले और प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सारे कंट्रीब्यूशन और जो तजर्बा आपका है मुख्तलिफ फील्ड्स में, जाने से पहले आप नई नस्ल के लिए कुछ पैगाम देना चाहते हों, कुछ कहना चाहते हों कि वो अपने आप को किस तरीके से आजकल की बदलती दुनिया में अपने आप को फेस करें और एडजस्ट करें। ये चैलेंज मुझे शायद 1969 में भी पेश आया, जब मैं आज से ज़रा कम उम्र था, अभी भी मैं जवान हूँ लेकिन उससे ज़रा कम उम्र था, उस वक्त मुझे बहुत कहा जा रहा था कि जी आप मुल्क से माइग्रेट कर जाएं,
उससे एक साल कबल हमारे वालिद साहब के पुरजोर इसरार पर मैं CSS के इम्तिहान में भी शरीक हुआ, और नतायज आने से पहले मैंने फैसला कर लिया था कि एडवर्टाइजिंग में मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा, लेकिन बहुत जोर था कि आप माइग्रेट कर जाएं, चले जाएं, बरतानिया जाएं, अमेरिका जाएं, बहुत, और कुछ दोस्त ऑलरेडी जा चुके थे, लेकिन मैंने उस वक्त फैसला किया कि पाकिस्तान में रहना है और पाकिस्तान ही में पिसना है और कामयाब होना है, अगर कामयाब होना है। और वही मुझे आज याद आता है कि आज कहा जाता है कि भाई लाखों नौजवान बड़े मायूस हैं, वो चले जाना चाहते हैं पाकिस्तान से। मैं कहता हूं कि चले जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं। हमने शायद सुना कि चले गए हैं, हमने चले भी गए हैं बिल्कुल। उनके जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, ना लग सकती है, वो एक आज़ादी का ये उनका हक है कि वो मुंतखब करें, और ये सारी दुनिया में होता है। लेकिन याद रहे कि जहां भी वो जाएंगे पाकिस्तान उनके दिल में महफूज रहेगा। बिल्कुल। और ये जो आज का पाकिस्तान है, हम TV न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया का पाकिस्तान न समझें। इन चैनल्स के अलावा, मीडिया फोकस की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मीडिया फोकस तो बहुत अच्छा चैनल है, असदुल्ला भट्टी साहब की क़यादत में और आपकी मेज़बानी से साबित करता है कि इसकी एक मुस्बित सोच है। ये जो एक मायूसी की कैफियत पैदा की गई है, जिसमें आप अपने मुल्क में एतमादी खो रहे हैं, ये बहुत ही मनफी और जहरीली सोच है। मैं जहाँ जाता हूँ पाकिस्तान में, एक मुतहर्रिक मुस्बित मिजाज पाता हूँ। लोग इतने मेहनत करते हैं, लोग काम करते हैं, तख्लीक करते हैं, पेंटिंग्स बना रहे हैं, अदब शायरी कर रहे हैं, मौसिकी बना रहे हैं। वी आर अ वेरी क्रिएटिव पीपल, बड़ी डायनेमिक कौम है, और माशाल्लाह अक्सरियत नौजवानों पर मबनी है। और इस वक्त डिजिटलाइजेशन की वजह से जबरदस्त हमारी ऑनलाइन जो हमारे बच्चे नौजवान काम करते हैं, इतनी सलाहियत है उनमें। मैं तो हमारे मुल्क के लिए बहुत उम्मीद हूँ कि इन मुश्किलात का हम सामना करते हुए, अलबत्ता ये ज़रूर करना चाहिए, आबादी के फैलाव पर ज़रा कंट्रोल चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी आप काम करेंगे, आबादी अगर बढ़ती जाएगी तो कभी हम पूरा नहीं कर सकते। तो एनीवे, सो पाकिस्तान में मैं यकीन रखता हूँ, और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि आप जैसी शख्सियात, दीगर शख्सियात इसको आगे बढ़ने में बहुत एक मिसाली किरदार अदा कर सकते हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जावेद जब्बार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी दावत पे इस प्रोग्राम में आए, और आपकी बातें और आपका मैसेज सुन के मैं समझता हूँ कि नाज़रीन बहुत मुस्तफ़ीद हुए होंगे। नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया, आज का हमारा प्रोग्राम इख्तिताम होता है। आपसे जाते हुए वही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। उसके लिए आप स्क्रीन पे हमारा टेलीफोन नंबर और हमारा ईमेल एड्रेस दोनों आ रहे होंगे, आप नोट कर लें और हमें, हमसे रابطے में रहें, और हमें अपने कीमती राय से मुतला करते रहें, जिससे हमें अपने प्रोग्रामों को बेहतर करने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया।